बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा लेक्चर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट रिस्क के ऊपर है कि हमें जब सॉफ्टवेयर डेवलप हम कर रहे होते हैं हमें किस किस टाइप के रिस्क जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो अकर हो सकते हैं। सो हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, रिएक्टिव टाइप ऑफ रिस्क कौन से होते हैं, प्रोएक्टिव कौन से होते हैं, बिजनेस रिस्क कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड रिस्क कौन से होते हैं। हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का वो ये है कि हम सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उनके लिए प्लान्स डिफाइन करें कि उनका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह से कम कर सकते हैं। यानी दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप रिस्क को बिल्कुल ज़ीरो कर लें और हम ये अज्यूम करें कि देर इज़ नो चांस कि आप कोई रिस्क प्रोजेक्ट को हो सकता है। रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन हमारा पर्पस, हमारा स्ट्रैटेजी या हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हम उन रिस्क का इफेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर मिनिमाइज कर सकें या चांसेस ऑफ गेटिंग देम रियलाइज्ड इस चीज को हम कम कर सकें या कंट्रोल कर सकें। सो जेनेरिक वे में रिस्क की एक डिफरेंट किस्म की टाइप्स और कैटेगरीज आ जाती हैं। रिस्क एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हम किसी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में चले जा सकते हैं या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किसी एडवर्स किस्म के हालात का शिकार हो सकता है। सो दिस मीन्स देयर इज अ चांस कि इस प्रोजेक्ट को किस डिफरेंट किस्म के रिस्क हो सकते हैं। अब कुछ रिस्क जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड रिस्क होते हैं, कुछ रिस्क हमारे होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड रिस्क, और एक और कैटेगरी है दैट इज बिजनेस रिस्क। तो जो प्रोजेक्ट रिस्क है इसका मतलब ये है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का शेड्यूल जो है या उसको रिसोर्सेज एलोकेट जो किए गए हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट ना हो पाए। एक ये सबसे अहम जो है वो इम्पोर्टेंट मोस्ट रिस्क होता है प्रोजेक्ट को। दूसरा अहम रिस्क ये होता है कि हो सकता है कि प्रोजेक्ट के लिए जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं उसमें फाइनेंसेस भी आ जाते हैं, उसमें टाइम भी आ जाता है, उसमें मैन पावर भी आ जाती है, उसमें स्किल्स भी आ जाते हैं। ये तमाम चीजें जो आ जाती हैं, हो सकता है कि ये स्किल्स अवेलेबल ना हो सकता है कि रिसोर्सेज में फाइनेंसेस कम हो जाएं या इनसफिशिएंट हो जाए या अवेलेबल ना हो तो प्रोजेक्ट जो है दरमियान में रुक जाए और हम उसको कम्प्लीट ना कर पाए। सो ये हो गए हमारे पास प्रोजेक्ट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क में क्या आता है कि हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, टाइम पे भी कंप्लीट कर लें, लेकिन समहाउ उसमें जो क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड थी या जो परफॉर्मेंस हमें रिक्वायर्ड थी वो हम अचीव ना कर सकें, उस तरह की डेवलप ना की जा सके। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, हमारा प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो सॉफ्टवेयर में जो क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड थी कस्टमर को वो प्रोड्यूस ना की जा सके। सो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट रिस्क। उसके बाद आता है हमारे पास बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है कि इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है। हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एडवर्स किस्म के सर्कमस्टांसेस आ जाएं या हालात ऐसे हो जाएं कि दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हो सकता है बैंक्रप्सी की तरफ से ले जाए ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि कुछ और इश्यूज जो है वो आ जाए सामने। तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपमेंट कर रही है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, उसको कुछ इस किस्म के हालात जो हैं वो अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़े। सो एक ही ऑप्शन हो सकती है, इसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं या जब भी आपने कोई अहम स्टेप लेना होता है, आपके पास डेफिनेटली लाइफ में रिस्क आएंगे, यू कैन नॉट अवॉइड देम। अगर आपको किसी अपने एग्जिस्टिंग लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जंप करना है तो देयर आर चांसेस कि आपके पास जो है वो हर्डल्स भी आ जाएं या प्रॉब्लम्स भी आ जाएं जिनको हम रिस्क के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। सो हम उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते, दिस इज फॉर श्योर। हमें क्या करना है, हमें उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट आर द पॉसिबल टाइप्स जो रियल लाइफ में अकर हो सकते हैं, उनको हम देखें ताकि हम उनसे बच सकें या उन्हें कम कर सकें। उसके लिए हमारे पास दो तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी में होता है कि
एक जो हमारा माइंडसेट होता है कि डोंट वरी आई विल थिंक ऑफ समथिंग, ये वो माइंडसेट है कि अभी हम परेशान ही हो रहे, ऐसा जब कोई मसला आएगा तो उसको फिर देख लेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाली थिंकिंग या ये वाला माइंडसेट जो है, अगर ये स्ट्रेटेजी है हमारी प्रोजेक्ट में लेके कि ऑल राइट वी आर डूइंग आवर प्रोजेक्ट, जब कोई प्रॉब्लम आएगी या जब कोई रिस्क आएगा, प्रोजेक्ट रिस्क या बिजनेस रिस्क, हम उसको देख लेंगे। हमने पहले कोई प्लानिंग नहीं की भी, हम ये कह रहे हैं कि जब रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा कि क्या करना है। सो दिस टाइप ऑफ प्लानिंग, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। यानी रन टाइम के ऊपर सोचना क्या मसला हो गया है, अब सोचने के अब हम क्या करना है। सो मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टीम्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स इस पे रिलाई करते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट गुड टू रिलाई ऑन दैट। क्यों? हो सकता है हमने हमारे पास ये पॉसिबल चांस है कि प्रोजेक्ट को कोई फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, तो हम कह रहे हैं जब होगा तब देखा जाएगा। अच्छा, लेट्स से प्रोजेक्ट के दौरान जो है आपके पास फाइनेंसिस कम हो गए हैं, सो रिस्क तो रियलाइज हो गया है। अब आपने क्या प्लानिंग की है? क्या आप जो है वो बैंक से लोन लेंगे, क्या आप जो है वो किसी से बोरो करेंगे मनी? हो सकता है जिससे आप मनी बोरो करने के लिए जाएं रन टाइम के ऊपर, ही माइट नॉट हैव द प्रॉपर अमाउंट अवेलेबल। हो सकता है बैंक आपको एक बैंक आपसे कहे यस यू हैव अ ऑप्शन टू हैव अ लोन, लेकिन उसके लिए आपको 3 मंथ्स का जो टाइम है वो रिक्वायर है या जो भी है। अब सिंस आपने उसके बारे में प्लानिंग नहीं की थी, आपने इस ऑप्शन को माइंड में नहीं रखा था, तो यू आर जस्ट इन द माइंड माइंडसेट कि जब होगा तब देखा जाएगा। उसकी वजह से समटाइम्स हमें काफी सुवेर किस्म के नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। सो ये बेहतर होता है जब आप एक अहम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, आप कोई भी चीज कोई भी अहम स्टेप लें लाइफ में, उसके लिए ये थोड़ा सोच लें, ये प्लान कर लें कि व्हाट पॉसिबल रिस्क इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर वो रिस्क रियलाइज हो जाए तो हम क्या करेंगे, आपके पास माइंड में ऑप्शन रेडी होना चाहिए ताकि जैसे वो रिस्क रियलाइज हो तो आपको क्लियर हो माइंड में कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, सो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी मोस्टली टीम्स फॉलो करती हैं बिकॉज दे बिलीव के रिस्क जो है बहुत कम रियलाइज होते हैं, इसलिए हमें खामखा प्लानिंग करने की और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये माइंडसेट होता है। ठीक है, सो नथिंग इज डन अबाउट रिस्क अंटिल समथिंग गोज रॉन्ग। उसके बाद क्या होता है, टीम देन फ्लाइज इनटू एक्शन इनटू एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द प्रॉब्लम। उसके बाद फिर वही बात है कि जैसे जब आग लग जाएगी तो फिर उसको बुझाने के लिए प्लानिंग करेंगे, फिर देखेंगे बाल्टी से बुझानी है कि किससे बुझानी है, बिकॉज वी हैव नॉट सेट एनी काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स इन द ऑफिस और व्हाट सो एवर, बिकॉज वी थिंक कि आग तो लगी नहीं सकती है, जब लगी तब देखा जाएगा। अभी हमें फिलहाल पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर। सो ये अप्रोच, क्राइसिस मैनेजमेंट इज द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि मैनेजमेंट ने सोचना होता है कि अच्छा ठीक है अब हम क्या करेंगे, पहले से प्लानिंग नहीं की गई होती। मैनेजमेंट जो कहेगी कि ठीक है बैठे रहें तो बैठे रहेंगे, अगर मैनेजमेंट कुछ कर देगी तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कर दे, हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं है, ये माइंडसेट। ऑन द कॉन्ट्रारी हमारे पास इसके ऑपोजिट जो माइंडसेट है वो दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज। इस स्ट्रेटेजी में बिलीव ये किया जाता है कि देयर इज अ चांस कि रिस्क विल अगर वो रियलाइज होगा, सो अगर रियलाइज होगा तो पहले से प्लानिंग कर ले, पहले से ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिस्क को अवॉइड करना होता है, उसके लिए प्लान डिफाइन करना होता है, और इन केस अगर रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल हो और पॉसिबिलिटी ज्यादा हो उसकी अगर होने की, तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से उसका जो इम्पैक्ट है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे किस तरह से हम प्रॉपर वे में कंट्रोल कर लेंगे। तो हमारे माइंड में बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये होता है कि हमारे पास कुछ रिस्क जो है वो रियलाइज हो सकते हैं, उसके लिए वी शुड हैव क्लियर ऑप्शंस कि हम फिर क्या करेंगे। सो दिस इज बेटर कि आप अपनी एक प्रोएक्टिव किस्म की स्ट्रेटेजी अपनाएं इन केस ऑफ रिस्क व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, ताकि अगर कोई रिस्क रियलाइज हो तो आप जो है आपके पास बैकअप प्लान्स हो कि आपने क्या करना है। रिएक्टिव में हमारे पास बैकअप प्लान नहीं होता, हम कहते हैं जब होगा तब हम देख लेंगे। सो कुछ रिस्क को डिफरेंट टाइप्स के स्टडी करते हैं। हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्क होते हैं,
ठीक है, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्क में क्या हो सकता है कि आपने कहा कि ठीक है हम एमएस एक्सेस जो है वो डेटाबेस यूज करेंगे सिस्टम में। अब आपने सिस्टम डिजाइन भी कर लिया, उसका लॉजिकल डिजाइन भी रेडी कर लिया, जब आपने डेटाबेस बनाने की तरफ आप आए हैं, उसका फिजिकल डिजाइन आपने रेडी करना शुरू किया था, आपको पता चला कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हमें प्रोजेक्ट में ऐड करने हैं जो कि एमएस एक्सेस से कंपैटिबल नहीं है, और या हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें स्पीडी परफॉर्मेंस चाहिए, एमएस एक्सेस जो है वो स्पीडी ट्रांजेक्शंस नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसमें जो है वो उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्पीडी ट्रांजेक्शंस करे। सो अब क्या हो गया, आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अब आप इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी अब चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपने जो डिजाइन बनाया हुआ तो उस पर भी इफेक्ट आएंगे, आपकी मल्टीपल चीजें जो हैं वो इफेक्ट होंगी, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं। इस किस्म के रिस्क जो हो सकते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं जब आपने कोई प्रोजेक्ट करना है या आपने कोई रिसर्च करनी है तो वो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हर चीज को एनालाइज करें, टेक्नोलॉजी से लेके काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और टूल्स यूज कौन से होंगे, उसके लिए आपकी इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स किस फॉर्म में आएंगी, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, इन चीजों को एनालाइज कर लिया, ताकि दरमियान में हमें चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जब हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ जाए, डेटाबेस है तो डेटाबेस चेंज करना पड़ जाए या हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज करनी पड़ जाए, ये हमारे पास हो जाता है टेक्नोलॉजी रिस्क की टाइप। एक और रिस्क की टाइप है पीपल बेस्ड रिस्क। मोस्टली क्या होता है, रिक्रूटमेंट हम जो करते हैं वो स्किल बेस्ड करते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो स्किल्स हमें प्रोजेक्ट में रिक्वायर है हम एग्जैक्टली उस बेस की रिक्रूटमेंट करें, लेकिन अमूमन ऐसा एक्चुअल लाइफ में हो नहीं पाता। एचआर डिपार्टमेंट ये कहता है, मोस्टली डिपार्टमेंट्स का, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस का, कि ऑब्जर्व ये किया गया है कि जब हमें जरूरत पड़ती है स्पेशल स्किल सेट के लोगों की तो हमें वो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके लिए फिर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि हमें अब हायरिंग तो करनी ही है, तो फिर वो ये करती हैं कि कुछ लोग हायर कर लेती हैं, उनको फिर वो ट्रेनिंग देती हैं, या उनसे रिक्वायर ये किया जाता है कि आपके पास बेसिक ट्रेनिंग सेट होगा, बेसिक स्किल्स होंगे, हम आपको एडवांस लेवल पे खुद इंटर्नशिप के फॉर्म में ट्रेन कर देंगे। एक रिस्क ये हो सकता है, लेट से आपको जो है वो पाइथन में काम करना है और आपके पास कोई ऐसा डेवलपर नहीं मिल रहा आपको जो पाइथन में जिसने काम किया हो, लेट से आपने आर में काम करना है और आपको ऐसा डेवलपर नहीं मिल रहा, आपको ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसको आर में एक्सपर्टीज हो। इस किस्म के इश्यूज हैं वो पीपल बेस्ड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं। वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इतना डिफरेंट वे में रिस्ट्रक्चर्ड है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई है वो अजीबो गरीब अंदाज में, टेक्निकली जो है वो साउंड वे में डिफाइंड नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस उसको करनी पड़ जाती हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर मैनेजमेंट हायरार्की डिफाइन नहीं की हुई है, हर पर्सन जो है वो अपनी मर्जियां कर रहा है और नोबडी इज डूइंग द वर्क विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस सूरत हाल में भी क्या होगा, प्रोजेक्ट्स इफेक्ट होंगे, और ये रिस्क की जो टाइप होगी ये ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क होगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं टूल बेस्ड रिस्क। इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कोड जनरेटेड बाय केस टूल्स इन इनसफिशिएंट। अब हमें ये था कि हम जो है वो सिंपली केस टूल्स यूज कर लेंगे या बिल्ट इन कंपोनेंट्स यूज कर लेंगे, और बिल्ट इन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं हम अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या, जब आपने हर चीज रेडी कर लिया, हमें टाइम डिफाइन कर लिया, यू स्टार्टेड डेवलपमेंट, तो जिन टूल्स को आपने बिल्ट इन टूल्स को एज अ बिल्ट इन टूल्स यूज करना था, जब आपने उनको परचेज किया या जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है जिस तरह से भी थे आपने उनको लेके इंटीग्रेट करने की कोशिश की अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको ये पता चला कि केस टूल्स जो हैं या जो बिल्ट इन टूल्स जो हैं या ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते। अब ये आपको रियलाइज बाद में हुआ, अब आपका प्रोजेक्ट हाफ बन चुका है, जो थोड़े से टूल्स आपने इंटीग्रेट करने थे वो आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, या जो एक्सटेंशंस आपने या प्लगइन्स आपने प्लग इन करने थे अपने सॉफ्टवेयर में, अब वो ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज कंपेटिबिलिटी का इशू है, बिकॉज इंटरफेस का इशू है, ड्यू टू सम रीजंस अब वो आपके सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे। अब
आप या तो अपना फिर वो टूल बनाएं जिसमें टाइम ज्यादा रिक्वायर होगा, एफर्ट रिक्वायर होगी, जिसका आपने एस्टीमेट नहीं किया था। सो ये जो टाइप के टू इश्यूज होंगे, रिस्क होंगे, इनको हम कहेंगे टूल बेस्ड इश्यूज हैं। ये जो टूल्स आपने सोचा था कि हम इनको यूज कर लेंगे, वो अब आपके लिए कंपैटिबल नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं रिक्वायरमेंट्स की बेस्ड, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्ट आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बार बार उन पे रीवर्क करना पड़ रहा है, वो बार बार जो है वो चेंज हो रही है, और वो चेंज इसलिए हो रही है बिकॉज कस्टमर शायद श्योर नहीं है या कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग सही डेवलप नहीं हो रही है, और समटाइम कस्टमर रियलाइज भी नहीं कर पाता कि अगर मैं एक चेंज कहूँगा तो उसको इनकॉर्पोरेट करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है और कितनी ज्यादा जो हमारी कॉस्ट है वो ओवर होती है। सो इसलिए वो समझता है कि मैं जो चेंजेस हो जाऊंगा इट्स ओके, इट्स फाइन, या आराम सुकून से किए जा सकते हैं, इसलिए रिक्वायरमेंट्स हैं बार बार वो चेंज करवा रहा होता है। समटाइम कोई जेन्युइन रीजन भी होती है तो उसमें उस सूरत हाल में तो हमें हर सूरत में चेंज करना ही पड़ता है। सो इन एनी केस अगर रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही है, रीजन जो भी हो, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट रिस्क की जो टाइप है वो होगा रिक्वायरमेंट्स रिस्क। फिर एक और टाइप आ जाती है, वो है एस्टिमेशन रिस्क। मीन्स जो आपने एस्टिमेशन लगाई थी वो सही नहीं है। हम इस चीज से बार बार बात कर चुके हैं, हमने डिफरेंट एस्टिमेशन टेक्निक्स को स्टडी किया है ताकि हमारी एस्टिमेशन जो है वो नियर टू एक्यूरेट हो। हमें पता है कि हम 100% एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं लगा सकते, लेकिन अगर प्लान्ड और एक्चुअल में डिफरेंस या जो वेरियंस है बहुत ज्यादा होगी एस्टिमेशन में, टाइम में या कॉस्ट में, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जेपर्डी में चला जाएगा और एक सीरियस किस्म का एस्टिमेशन रिस्क फेस करेगा। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं एस्टिमेशन के। टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज अंडर एस्टिमेटेड, आपने टाइम कम लिया था, अब टाइम एक्चुअल में लग ज्यादा रहा है, या द रेट ऑफ डिफेक्ट रिपेयर इज अंडर एस्टिमेटेड, आपने जो एक एस्टिमेट लगाया था कि हमारे पास अगर 10 डिफेक्ट्स आएंगे तो हर डिफेक्ट को दूर करने में हमें 1 घंटा रिक्वायर होगा, तो 10 घंटे आपने एक्स्ट्रा एज्यूम किए थे, रिक्वायर किए, सेपरेट किए थे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि वो अगर डिफेक्ट्स अगर 8 भी आ गए हैं लेकिन हर डिफेक्ट को रिमूव करने में आपको 3-3 घंटे लग रहे हैं, मीन्स का आपका टाइम जो है वो जो आपने एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा हो रहा है। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है एस्टिमेशन के लिहाज से रिस्क होने की। फिर बिजनेस टाइप के रिस्क की बात कर लेते हैं। हमारे पास कुछ मार्केट बेस्ड रिस्क हो सकते हैं। आप एक बहुत अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, आप ऐसे कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं जिसमें लोग जो हैं वो बहुत आराम से सहूलत से घर बैठे जो हैं वो लेट से कुर्बानी के जानवर परचेज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। वो कहते नहीं, हम ऐप को यूज करते हुए कुर्बानी का जानवर बाय नहीं करेंगे, विल गो बाय आवरसेल्फ्स इनटू द मंडी और फिर हम वहां से परचेज करेंगे। सो बेशक आपकी ऐप जितनी मर्जी अमेजिंग हो, जितनी मर्जी उसकी वो खूबसूरत इंटरफेस हो और वो सब कुछ हो, लेकिन अगर कस्टमर्स को उसकी जरूरत नहीं है और वो विलिंग नहीं है उसको यूज करने में, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट रिस्क होगा। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं उसकी जरूरत भी है मार्केट में कि नहीं है। देन एक स्ट्रेटेजिक रिस्क आ जाता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क में ऐसा होता है कि आप जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं वो किसी भी कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी में फिट नहीं होती। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि जो प्रॉफिट मार्जिन दिया जा रहा है उसको यूज करते हुए वो बहुत कम है, उसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं दे डू नॉट वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इनटू देयर बिजनेसेस। जिस तरह से हमने एक एग्जांपल हम देखते हैं कि लेट से आपने एक ऐप बना लिया एंड यू वांट टू अर्न बाय दैट ऐप, सो अगर वो ऐप की आप प्राइस जो है वो ज्यादा रखते हैं तो आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स कम मिलेंगे, अगर आप उस ऐप की प्राइस कम रखते हैं तो आपको नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। सो इस किस्म के टाइप की स्ट्रेटजी में आपको कोई कस्टमर ढूंढना और उसे कन्विंस करना कि आप इसे अर्निंग कर सकते हैं वो मुश्किल हो जाएगा। सो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक स्ट्रेटेजिक रिस्क उसके लिए इन्वॉल्व हो सकता है। सेल्स रिस्क क्या होता है कि
आपने चीज बना ली है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि जब आप अपनी सेल्स टीम को, सेल्समैन को समझा रहे हैं कि इसको आपने, इसमें किसके फीचर्स क्या हैं, इसमें उसकी क्वालिटीज क्या हैं, जब आपने सेल करना है यानी अपना आइडिया पिच करना है उनको, अपने कस्टमर्स को, तो उनको समझ नहीं आ रही कि हम इसको में किस तरह से बताएं, बिकॉज आप जब प्रोडक्ट एक दफा डेवेलप कर लेते हैं उसको सेल्स टीम ने करना होता है. लेट्स से आपने एक स्कूल सिस्टम बनाया जिसके अंदर स्कूल अटेंडेंस से लेके फीस और रिजल्ट और सब कुछ मैनेज होता है. अब आप ये चाहते हैं कि आप उसको डिफरेंट स्कूल्स में सेल करें ताकि आप हर स्कूल को सिलेक्ट करके आपके पास अर्निंग आए. सो आप एक अपनी जो सेल्स टीम है उसको अपना प्रोडक्ट दे देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लें और आप डिफरेंट स्कूल्स में जाकर इसको सेल करें. अब अगर वो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स या प्लस पॉइंट्स जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, तो दे विल नॉट बी एबल टू कन्विंस अदर्स कि इसकी वेटेज क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है हमारे किसी भी स्कूल के लिए. तो वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल साबित नहीं होगा. सो ये हो सकती है सेल्स रिस्क एग्जाम्पल. मैनेजमेंट रिस्क भी हो सकता है कि आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ड्यू टू सम चेंजेस आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो चेंज हो जाए, उसकी वजह से जो नया मैनेजर है उसके अपने डिफरेंट गोल्स हैं, वो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को इम्पोर्टेंस ना दे और वो उसकी कुछ प्लानिंग हो इस तरह से कि शायद जो मेन रिसोर्सेज हैं वो अपने प्रोजेक्ट जो वो लेके आया है या जो उसने स्टार्ट किए हैं उनको वो एलोकेट फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहे. सो उस सूरत हाल की वजह से जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो आपके प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट बेस्ड रिस्क आ जाता है. जिस तरह से जब एक गवर्नमेंट चेंज होती है तो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हम समझ लेते हैं कि अब एक सड़क अगर इनकम्प्लीट है तो वो इनकम्प्लीट ही रहेगी बिकॉज न्यू गवर्नमेंट ने अपने नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके आना है, प्रीवियस वालों को ना फंडिंग देनी है ना उन्हें कम्प्लीट करने की तरफ प्रायोरिटी देनी है. सो ये किस्म का मैनेजमेंट रिस्क एग्जाम्पल हो सकता है. बजट रिस्क क्या हो सकता है कि जी जिन लोगों ने बजट एलोकेट करना है वो बजट एलोकेट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, वहां पे कोई चेंजेस हो गई हैं या बजट जो है वो रहा नहीं है, ऐसे कुछ सूरत हाल हो. फिर आ जाते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर रिस्क. सॉफ्टवेयर रिस्क के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है, हमारे पास स्टाफ टर्नओवर हो सकता है कि एक्सपीरियंस स्टाफ जो है शायद वो प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले चला जाए और इस रिस्क की टाइप क्या होगी, ये प्रोजेक्ट रिस्क होगा. मैनेजमेंट चेंज हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि चेंज हो गया है मैनेजमेंट के अंदर और उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, उसकी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट जो आपका रिस्क पे आ जाएगा. हार्डवेयर जो आपको चाहिए, जिस परफॉर्मेंस का आपको चाहिए, लेट्स से वो अनअवेलेबल है, उसकी वजह से प्रोजेक्ट रिस्क आ जाएगा. रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि जो वो चेंज हो रही है बार बार, उसकी वजह से जो एंटिसिपेटेड टाइम था उससे ज्यादा टाइम लग गया है. स्पेसिफिकेशन डिलेज आ गए हैं, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बेस्ड रिस्क है ये, यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटरफेसेस जो हमें चाहिए थी या जो किसी और टीम मेंबर ने कंप्लीट करके देने थे हमें चीजें, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो लोग, उसकी वजह से जो है हमारे पास डिले आ रहे हैं. साइज अंडर एस्टिमेशन में डिस्कस कर लिया है कि हमने जो सिस्टम का साइज लगाया था कि हमें 5 मॉड्यूल्स बनाने हैं लेकिन एक्चुअल में जब हमने थॉरली स्टडी किया है रिक्वायरमेंट्स को तो हमें पता चला कि हमें 5 की बजाय 7 मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, उसकी वजह से टाइम और कॉस्ट और एफर्ट हर चीज जो है वो एक्सीड हो जाएगी. इस तरह से केस टूल्स जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है अगर लेट्स से वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या वो यूजफुल नहीं हो पाते प्रोजेक्ट के लिए, सो इसका मतलब ये है कि आपको केस टूल्स की बजाय खुद से कोई टूल्स बनाने पड़ेंगे या खुद से मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे जो इनकॉर्पोरेट किए जा सके हमें प्रोजेक्ट में, उसमें भी टाइम और कॉस्ट आपकी इफेक्ट होगी. टेक्नोलॉजी चेंज की बात हमने की, अभी हमने कहा कि जिस सिस्टम पे टेक्नोलॉजी बेस कर रही है वो जो है वो सुपरसीड हो जाती है किसी और नई टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी नई आ जाती है उसके बजाय. अब आपका कस्टमर आपसे कहते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी में काम करें, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए आपके पास उसका लोग उस तरह के जो है वो स्किल सेट्स वाले टीम चाहिए आपको जो आपके पास नहीं है. सो उस सूरत हाल में आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी रिस्क आ जाएगा. प्रोडक्ट कंपटीशन आ गया है उसका प्रोडक्ट का और उन्होंने वही मेन फीचर्स जो आज इन फीचर्स पे आप काम कर रहे हैं वो उन्होंने पहले कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया है. अब आप ऐसा जो प्रोडक्ट बनाएंगे अगर आपके प्रोडक्ट में भी सेम वही फीचर्स हैं तो लोग तो पहले उसको यूज कर चुके होंगे, उससे पहले मार्केट ग्रैब कर ली होगी तो वो आपके प्रोजेक्ट की तरफ नहीं आएंगे. सो जब आपके ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आपके प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन आ जाता है तो आपके पास बिजनेस रिस्क हो सकता है.
ये कुछ और एग्जांपल्स थी रिस्क की। तो हमारा प्रोजेक्ट अभी लेक्चर हमारा इतना ही था आज का। अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए आप। इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन आई विल स्टॉप।